हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक दिवाकर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मनोज देव के बारे में। जी दोस्तों, मनोज देव उनको कौन नहीं जानता है, वो काफ़ी सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं और दोस्तों वो एक गाँव से बिलोंग करते हैं जो कि धनबाद के झारखंड से हैं। और दोस्तों मैं भी धनबाद झारखंड से ही हूँ, तो उनको देख के मुझे काफ़ी मोटिवेट होती है कि वो किस तरह से वीडियो बनाया और किस तरह से वो आज इस मुकाम पर। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मनोज देव जो सबसे पहली वीडियो जो बनाई थी और अपलोड की थी यूट्यूब में, वो किस तरह से थी, किस सेटअप में उन्होंने बनाया था और अभी जो सेटअप में बनाता है, मैं वो वीडियो में दोनों आप वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मनोज देव के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि मनोज देव एक गाँव से बिलोंग करते हैं जो कि काफ़ी गाँव से वो है, गाँव विलेज जो है वहाँ से बिलोंग करते हैं मनोज देव। दोस्तों मनोज देव जो है वो एक मोबाइल शॉप पे काम करते थे, उसी के गांव में एक मोबाइल शॉप था जो कि आप उनके वीडियो में भी देख सकते हो, वो काफ़ी बार उस दुकान को दिखाया भी है। तो दोस्तों वो शॉप पे वो काम करते थे, उसी में वो एक यूट्यूब में वीडियो देख रहे थे, तब एक वीडियो उसके सामने आया कि यूट्यूब से पैसे किस तरह से कमाए जाए। तो फिर मनोज देव ने वो वीडियो देखा, देखने के बाद उनके मन में एक अलग सा फीलिंग आया कि चलो मैं भी वीडियो बनाता हूँ। लेकिन दोस्तों सवाल ये था कि उनके पास सेटअप नहीं था, क्योंकि वो जो वीडियो बनाते थे वो छत के सीढ़ी पे बनाते थे या फिर खेतों में बनाते थे या फिर वो किसी दोस्त के घर पे बनाते थे, मतलब इस तरह से करते थे। और सबसे मेन बात कि उसके पास फ़ोन नहीं था। ये दोस्तों जो कैमरा वाला फ़ोन था वो नहीं था, वो अपने दोस्त के फ़ोन से वीडियो शूट कर। और दोस्तों और एक बात ये है कि मनोज देव का वो ट्यूशन फ़ी के लिए पैसा नहीं होते थे। जी दोस्तों, मनोज देव का ट्यूशन फ़ी के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन आज के डेट में मनोज देव के पास 60,000 का फ़ोन है। तो सोचिए यूट्यूब से आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों शर्त ये है कि आपको वो करना होगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मनोज देव के बारे में। तो फिर उन्होंने वीडियो शूट किया, वीडियो शूट करने के बाद उनके पास तो सेटअप नहीं था, ना लाइट थी ना कुछ थी, तो उन्होंने अपने ही रूम में एक सेटअप बनाया और उसी में उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए दोस्तों अभी जो वीडियो दिखा रहा हूँ वो वीडियो उसका सबसे पहले वाली वीडियो थी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मनोज और आप लोगों का टेक्निकल मनोज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कुछ टेक्निक लाया हूँ जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और मेरा जो अगला वीडियो आने वाला है वो है यूट्यूब से अब सक्सेस करना और पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका अगला वीडियो मिल जाए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करें। तो दोस्तों ये वीडियो जो देखे वो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में उन्होंने डाला था यूट्यूब पे, ये वही वीडियो थी। और दोस्तों अब दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से वो अभी वीडियो बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं इस वीडियो से बताऊंगा कि वो सारे जो चैनल्स थे जो मुझे एक्सपोज कर रहे थे आज वो है कहाँ। तो वीडियो के एंड तक देखते रहो, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू। तो दोस्तों यही थी मनोज देव की जर्नी जो कि वो उन्होंने गांव से स्टार्ट किया। तो दोस्तों ये थी मनोज देव की जो स्टार्टिंग यूट्यूबर बनने की जो चाहत, उन्होंने यूट्यूब में एक वीडियो देखा जिससे वो काफ़ी मोटिवेट हुआ और उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाने का निश्चय किया और फिर उन्होंने वीडियो क्रिएट करना शुरू कर दिया। और दोस्तों वो धीरे धीरे चलते गया, लेकिन दोस्तों उसके बाद उनके लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आया जिसमें उनका जो चैनल था। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मनोज देव के 3 यूट्यूब चैनल थे जो कि अभी भी हैं, लेकिन दोस्तों उनमें से जो सबसे पहला यूट्यूब चैनल था टेक्निकल मनोज करके, दोस्तों वो उसका जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो गया है, क्योंकि सबसे पहला चैनल उसका वही था, उसके बाद उसमें अर्निंग आना बंद हो गया। उसके बाद मनोज देव ने एक नया चैनल क्रिएट किया जिसका नाम है मनोज देव, जो कि अभी आप देख सकते हैं। और उसके बाद उसने जो स्ट्रगल थी वो कंटिन्यू रखी, धीरे धीरे उसका सब्सक्राइबर बढ़ने लगा, व्यूज़ आने लगे, 2-4 वीडियो वायरल होने लगा। उसके बाद दोस्तों इस तरह से उसका वीडियो वायरल हुआ कि अभी उनके चैनल पे 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। और दोस्तों उनका 2 चैनल है जिसमें एक में वो ब्लॉग बनाते हैं, दूसरा में उसका मेन चैनल टैक और मोटिवेशनल वीडियोज़ डाला करते हैं जो कि मनोज देव मेन चैनल उनका है, और जो मनोज देव ब्लॉग है वो उनका सेकेंडरी है जिसमें ब्लॉग वगैरह वो शूट करते हैं। दोस्तों यही मैं कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, परिस्थिति कैसी भी हो, मतलब कि जैसे अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, आप यूट्यूबर है, आपके पास टैलेंट है लेकिन आप इक्विपमेंट नहीं है, जरूरी नहीं कि आपको वो चीज़ ज़रूरी थी। देखिए मनोज देव का स्टार्टिंग जो वीडियो है उन्होंने जो जिस तरह से स्टार्ट किया, उसके पास ना माइक थी, ना मोबाइल था, ना ही कुछ थी, ना ही कुछ सेटअप थी, लेकिन वो दोस्त के घर में जाकर वीडियो बनाता था, वो सीढ़ी पर वीडियो बनाया करता था, दोस्त के फ़ोन से मोबाइल बनाता था। यहाँ तक कि दोस्तों
उनके पास मतलब कि रूम नहीं थी, अपनी पर्सनल रूम नहीं थी, और अभी उनके पास दो दो रूम है। उन्होंने घर बनाना स्टार्ट किया अपना, ठीक है। उन्होंने अवध से सेटअप बनाया, कार लिया, बाइक ली, ठीक है, और घर बनाया। तो अभी आपका सेटअप उसका देख ही सकते हैं दोस्तों। ये सब उन्होंने किया है कि यूट्यूब में रह के, और यूट्यूब से ही उन्होंने अपना लाइफ को पूरा किया कि यूट्यूब से ही उसको करना है, क्योंकि उसके मन में इच्छा थी, चाहत थी कि मुझे यूट्यूब में ही रहना है और यूट्यूब ही मुझे करना है। उसके बाद से उसको ये मोटिवेट जो है वो हुआ, और उसके बाद उन्होंने इतना सारा कुछ अचीव किया। दोस्तों मेरा कहना ये है कि देखिए, सेटअप का ज़रूरत नहीं है कि आपके पास सेटअप हो, आपके पास अच्छा महंगे फ़ोन होना चाहिए या फिर माइक होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि मेरी माइक आप देख सकते हैं, ये माइक मैंने खुद से बनाया है, क्योंकि मेरे पास माइक है नहीं, और मैंने ये माइक जो है अपने से ही बनाया, अपने घर में ही बनाया। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके पास जरूरी नहीं कि आपके पास प्रॉपरली इक्विपमेंट होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए। आपके पास अगर छोटी सी भी चीज़ आप उससे भी आप वीडियो बना सकते हैं, और उससे भी आप अचीव कर सकते हैं, काफ़ी हद तक आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपके मन में वो इच्छा होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर आपके मन में वो इच्छा है नहीं, अगर आप उसको ज़बरदस्ती कीजिएगा, तो वो चीज़ कभी नहीं होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। दोस्तों आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।